हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेसिस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटीएफ है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हाउ टू सेलेक्ट पीएचडी टॉपिक। स्टूडेंट बहुत बड़ा इशू होता है कि जब भी स्टूडेंट यहाँ पे मास्टर्स करते हैं और नेट क्लियर करते हैं, नेट जेआरएफ करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा इशू आता है कि मुझे किस फील्ड में पीएचडी करना चाहिए। तो स्टूडेंट आज मैं आपके सामने वही डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना पीएचडी टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, सो स्टूडेंट आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हाउ टू सेलेक्ट पीएचडी टॉपिक। सो सबसे पहला जो टॉप मेरा पॉइंट है वो ये कि ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज, राइट। जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके अंदर पहले आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने प्रोफेसर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी आप मेंटर मानते हैं, या अपना खुद भी लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस फील्ड में रिसर्च कितना हुआ है और आप आगे क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे रियलिस्टिक के अंदर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर रिसर्च करना है, राइट। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, क्या क्या टेस्ट होते हैं, राइट, वो आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस आप सिक्वेंस पे करना चाहते हैं या सीरीज पे करना चाहते हैं, प्लस पहले किन किन लोगों ने रिसर्च किया, अभी नया रिसर्च क्या हो रहा है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हैं उस फील्ड में आपको पूरा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, प्लस देखना पड़ेगा क्या क्या रिसर्च हो चुका है और आप नया इसमें क्या कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आज के इस जमाने में, तो आधुनिक युग में, तो बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है, क्योंकि हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो हमारे पास इतना लाइक अवेलेबिलिटी नहीं थी इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि नेट भी होता था तो बहुत लाइक हमें साइबर कैफे में जाके सब कुछ ढूंढना होता था। आज तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो चाहे वो सब सर्च कर सकते हैं और हर चीज़ नेट पर अवेलेबल है, राइट। तो स्टूडेंट ये ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, चूज अ टॉपिक दैट विल एनेबल यू टू रीड द अंडरस्टैंड द लिटरेचर, राइट। तो जो भी टॉपिक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उस पे लिटरेचर अवेलेबल होना, मतलब उस लिटरेचर का मतलब ये होता है कि आपको जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। कि जैसे मैं आपके सामने अभी वही बताना था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का एग्जांपल, या और भी कोई दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने हीट और वेव इक्वेशन पे अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करने की इच्छा रखते हैं, राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो स्टार्ट, ये जो टॉपिक है इसका स्टार्टिंग क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, एंड कंसेप्ट के बाद किन किन लोगों ने इस पर रिसर्च किया है ना, और आज तक इस पर क्या क्या रिसर्च हो, तो आपको कहीं ना कहीं इसका देखना पड़ेगा, राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे कि इंश्योर दैट द टॉपिक इज मैनेजेबल एंड मटेरियल इज अवेलेबल। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर पीएचडी, तो उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने चाहिए। प्लस कहीं ना कहीं आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको बेसिक्स क्लियर करना है, आपको जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हैं उस फील्ड के जो बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। स्टूडेंट उसके बाद मेक ए लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। आप जो भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप ढूंढ लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स इससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बात करता हूँ कि आपने बात करी कि सर हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे रिसर्च करना, राइट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आप जो रिसर्च करना है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड आपको पहले जो आइडिया है वो आपको सिक्वेंस से सीरीज का आइडिया होना चाहिए, फिर फंक्शन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, फिर फंक्शन के बाद यहाँ पे फंक्शन की जो सिक्वेंस होती है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, देन क्या क्या टेस्ट लगते हैं, देन उसके बाद यूनिफॉर्म जो हमारे पास सीरीज होती है, जो सीरीज को हम कैसे यहाँ पे चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है कि नहीं है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के बारे में आइडिया। तो लाइक जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्लस उन सभी फील्ड में क्या क्या अभी तक हो चुका है उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, राइट। तो वो आपको जरूर हेल्प करेगा। एंड एक और चीज़ है कि बी फ्लेक्सिबल। जब भी आप कोई रिसर्च टॉपिक रहे ढूंढे या आपने कोई चूज करा तो उस पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, जरूरी नहीं कि नहीं मुझे तो इसी पे करना है, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। प्लस आप जहां भी इंटरव्यू देखो, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे अगर आप किसी आईआईटी में जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने आईआईटी बॉम्बे में इंटरव्यू देने गए आप, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे जो प्रोफेसर है उनका भी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उस टॉपिक में
वो प्रोफेसर वहां पे कोई अवेलेबल है कि नहीं जो इस फील्ड में रिसर्च करा सकते हैं, राइट। और अगर अवेलेबल है तो आप उनका बैकग्राउंड जरूर चेक करिए कि उन्होंने किस फील्ड में रिसर्च करा और आपका फील्ड उससे क्या कनेक्ट कर सकता है। तो कभी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है तो आपको फिर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि नहीं ठीक है प्रोफेसर अच्छे हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं, बट ठीक है रियलिस्टिक का टॉपिक में थोड़ा बहुत इसमें लाइक फ्लेक्सिबल हो सकता हूं, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। देन डिफाइन योर टॉपिक्स एज फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चन, राइट। तो जो भी आपका टॉपिक है, अब आपने अगर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे इस टॉपिक में पीएचडी करना है, तो आपको ये ध्यान देने की आपका जो टॉपिक है वो पूरा वेल डिफाइन होना चाहिए कि हाँ अब आप नया यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखो आइडिया तो नहीं मिलता है क्योंकि शुरू शुरू में अगर आप टॉपिक के लिए आप अननोन होते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट क्या होता है एमएससी करता है, नेट क्लियर कर लिया, नेट जेआरएफ कर लिया, उसके बाद सीधा पीएचडी के लिए इंटरव्यू देना चले जाते हैं। पर आप बिल्कुल तैयारी करके नहीं जाते, तो आपको कभी भी इंटरव्यू देने जाना तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी करके जाना पड़ेगा कि हाँ आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और अब ये टॉपिक्स पर आप काम कर सकते हैं, राइट। आप अगर क्या क्या इस फील्ड में रिसर्च हुआ है तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर ऑलरेडी थीसिस, खैर मैं बात करूँगा शोधगंगा वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो पीएचडी ऑलरेडी हो चुकी हैं उनकी थीसिस अवेलेबल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं देख सकते हैं कि किन किन आपके जो फील्ड आपने जो टॉपिक चूज किया उस पर क्या रिसर्च हुआ और आप नया वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यार ये टॉपिक हो सकता है। देखो अल्टीमेटली गाइड आपको हेल्प करेगा उस टॉपिक के लिए, पर आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपके होना चाहिए कि हाँ आप ये सब कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट रिसर्च एंड रीड मोर अबाउट योर टॉपिक, वही कहना चाहता हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके बहुत सारे आप ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर रिसर्च पेपर रिसर्च जनरल है जहाँ पर उस फील्ड में रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं आप वो सब अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। और अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इनका एक्सेस फ्री होता है वहाँ पर आप जाके थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। पर स्टूडेंट यहाँ पे वही कहना चाहता हूँ कि आप ब्लैंक होके मत जाइए, है ना, आपको अपने फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट इंटरव्यू में जाता है उसको क्या दिक्कत आती है, वही दिक्कत आती है कि उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होता, उसको यही पता नहीं होता कि इस फील्ड में लोगों ने क्या क्या रिसर्च किया है। तो अब गाइड फिर होता है कि गाइड को लगता है कि यार जब इस स्टूडेंट को ये नॉलेज नहीं है तो पूरा मुझे ही हेल्प करना पड़ेगा। और देखो गाइड के पास इतना टाइम नहीं होता है, जो भी प्रोफेसर गाइड होता है उसके पास 10 काम होते हैं ना, उसको अपना क्लासेस भी लेना होता है, उनके दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे लोग पीएचडी भी कर रहे होते हैं उनके वो काम भी होते हैं, राइट। उनके बहुत सारे लाइक दूसरे और भी वर्क होते हैं, तो उनके साथ अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है अपने सब्जेक्ट के बारे में, आपको यही पता नहीं कि किस टॉपिक में आपको पीएचडी करनी है, तो कहीं ना कहीं वो एक इशू हो सकता है, तो वो फिर आप वहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप कहीं जाएं इंटरव्यू देने तो कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड आप रखिए नॉलेज कि हाँ फ्लेक्सिबल होकर 4-5 पॉइंट रखिए, हाँ ये कर सकता हूँ मैं। प्लस जिन भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको भी स्पेसिफिक बने कि हाँ मुझे इस फील्ड में ये कर सकता हूँ मैं, राइट, है ना, कर सकता हूँ। नहीं करना तो प्रोफेसर डिसाइड करेगा क्या करना, राइट। वो आपको आइडिया देंगे कि नहीं ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा तो वो ही विल गाइड यू, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। फॉर्मुलेटेड थीसिस स्टेटमेंट स्टूडेंट, आपको जो भी आप करना चाहते हो उसके बाद एक थीसिस स्टेटमेंट आप बना सकते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को इस फील्ड में ये रिसर्च करना और मैं ये टॉपिक पे काम कर सकता हूँ। खैर वो बात की बात है, पर स्टूडेंट आपको जो भी टॉपिक सेलेक्ट करना है पीएचडी के लिए तो उसके लिए यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस फील्ड में कहीं ना कहीं आपको जो लिटरेचर है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्या रिसर्च हो चुका है, क्या आप नया कर सकते हैं और क्या क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन ये इस बारे में आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको पीएचडी इंटरव्यू में जब आप जाएं देने के लिए तो वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आप जरूर देखिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सिनॉप्सिस है उसको कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स आपको वहाँ पे कवर करना चाहिए, राइट। फिर हम आगे बात करेंगे रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, देन आपको यहाँ पे ये भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि जब भी आप पीएचडी कर रहे हैं साथ साथ में तो आपको और भी कहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, क्या आप वर्कशॉप में जब भी जा रहे हैं तो आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, पोस्टर कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, राइट। और विद एक्सपर्ट मैं अब भी कोशिश करूंगा कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ सो देट कि वो भी अपना कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करें। सो स्टूडेंट ये मेरी शुरुआत है जहाँ पर मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है मेरी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें थोड़ी सी कमी हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आगे आने वाले जो मेरी सीरीज है इसमें और भी अपने चीज़ों को लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस और मुझे लगता है कि मैंने जो द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और सुनिए मेरे जो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं, सुनिए मेरी CSRNET की प्लेलिस्ट है, ये मेरे हायर मैथमेटिक्स की वीडियोज़ आप देख सकते हैं, प्लस ये मेरे दोनों चैनल, सुनिए मेरा हायर मैथमेटिक्स का चैनल है जहाँ पर मैं मैथ्स की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, ये मेरा नया वाला चैनल जहाँ पर मैं एप्टीट्यूड के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जहाँ पर मैंने नया चैनल भी बनाया है। सो थैंक यू सो मच और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो देट कि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं या मैं वीडियोज़ लेने वाला हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो धन्यवाद।